हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं शारदा पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ देवशयनी एकादशी। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, आज के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाने वाले हैं अगले 4 महीनों के लिए। तो आपको कुछ विशेष कार्य हैं जो नहीं करना होगा, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और एकादशी तिथि में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा कब करना चाहिए, पारण कब करना चाहिए, संपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो से प्राप्त होंगी। सबसे पहली चीज़ बता दूं दोस्तों कि कल यानी कि 10 जुलाई को एक देवशयनी एकादशी हम मनाएंगे। व्रत रखा जाएगा देवशयनी एकादशी का। आज के दिन जो है भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना कर दिया जाता है, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि आज के दिन के बाद से भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप किस विधि से भगवान विष्णु की पूजा करें, आराधना करें, आज क्या क्या कर लें जिससे आने वाले 4 महीने में, वैसे तो ये 4 महीने चातुर्मास के नाम से जाने जाते हैं, चातुर्मास में विशेष पूजा आराधना होती है नारायण की और अधिक फलीभूत होती है। तो ये सारी जानकारियाँ जो है हम इस वीडियो से लेंगे। सर्वप्रथम कीजिएगा कि कल यानी कि 10 जुलाई को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाइएगा। जगने के बाद आप अपने जैसे भी दैनिक कार्य करते हैं कर लीजिएगा। उसके बाद अपने घर की साफ सफाई इत्यादि सब कुछ करने के बाद भगवान विष्णु की जो प्रतिमा होगी, आप उनको बहुत अच्छी तरह से दूध दही घी शक्कर शहद से स्नान करा दीजिएगा। स्नान कराने के बाद आप भगवान विष्णु के लिए पीले वस्त्र आज ज़रूर लाइएगा। आज पीताम्बर श्रृंगार होता है नारायण का, तो पीला श्रृंगार आज जरूर कीजिएगा। करने के बाद दोस्तों, आज के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाइएगा। पीली मिठाइयों का भी भोग लगाया जाता है, तो ये भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप जानते हैं कि आज भगवान विष्णु कभी भी तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन आज रविवार भी है, साथ साथ एकादशी है, तो ना तो हम तुलसी में जल देंगे ना उन्हें स्पर्श करेंगे। हाँ, एक प्रश्न बहुत दिनों से आ रहा था कि क्या हम दीपक जला सकते हैं रविवार को, तो बिल्कुल भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप उनको स्पर्श मत कीजिएगा, जल मत चढ़ाइए, तिलक मत लगाइए, भोग मत चढ़ाइए, लेकिन संध्या समय दीपक जो है दूर से दिखा करके तुलसी माता के पास रख सकते हैं, किसी भी प्रकार के दोष के भागी आप नहीं बनेंगे। तो मैं बात कर रही थी कि आपको क्या क्या करना है, तो देखिए ये चीज़ कर दीजिएगा। आज के दिन लक्ष्मी माता की भी विशेष पूजा आराधना होती है, तो भगवान विष्णु को पीले जो है पुष्प चढ़ाइए, नारायण को और माता लक्ष्मी को लाल पुष्प चढ़ाइए। तो विधि विधान से चंदन इत्यादि से नारायण का माँ लक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। तो इस विधि से करने के बाद जो है वहाँ मंदिर में बैठ करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, गीता जी का पाठ कर सकते हैं। तो ये सारे पाठ जो है भगवान विष्णु के निमित्त हैं, वो करते रहिए। व्रत रहें या नहीं रहें, उपाय जो है आप सारे कर सकते हैं, क्योंकि व्रत रखना एक अलग चीज़ है और उपाय करना अलग चीज़ है। आपसे मैं बार बार कहती हूँ, तो बिना व्रत के भी उपाय किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्थिति में चावल नहीं खाना होता है हमें, तो हम व्रत रखते हैं तो अति उत्तम, नहीं रखते हैं तो ये नियम तो हमें मानना ही होगा कि हम चावल ग्रहण ना करें। आज के दिन जो दान निकाला जाता है उसमें भी हम चावल नहीं निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। द्वादशी तिथि में चावल अवश्य खाना चाहिए। किसी ने पूछा था कि क्या द्वादशी में हम चावल ग्रहण कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी ग्रहण करना ज़रूरी होता है, आप कर लीजिएगा। द्वादशी तिथि में चावल का दान भी कर सकते हैं, परंतु एकादशी का जो दान उस दिन दान होता है उसमें चावल आप दान नहीं करेंगे। मंत्र विशेष है नारायण का कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप जानते हैं। और हाँ, ये भी देख लीजिए कि एकादशी कब है। तो एकादशी जो है 10 जुलाई को हो रही है, एकादशी मतलब कि उदयातिथि की एकादशी 10 जुलाई को हो रही है। 10 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, तो ये कर लीजिएगा। और भगवान विष्णु की पूजा आराधना जो है वो पूरे दिन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन से में मानसिक जब हमारे मन में चलते रहना चाहिए। कहा जाता है कि जितना ही हम भगवान का नाम लेते जाते हैं, जितना मंत्र जपते जाते हैं, उतना हमारा दुख कटता है, एक एक पल एक एक क्षण दुख कटता जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा मन में मानसिक रूप से भगवान विष्णु का मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोल सकते हैं, राम का नाम भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नारायण और भगवान विष्णु और श्री राम में कोई भी अंतर नहीं है, तो वो भी बोल सकते हैं। तो ये काम कर लीजिएगा दोस्तों। एक चीज़ और आपको बताऊंगी
किस विधि से पूजा आराधना करके, अब चलिए विशेष उपाय की बात करते हैं कि विशेष उपाय हमें क्या क्या करना चाहिए। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपको मंत्र तो बताई, लेकिन आप मंत्र ना जपते पूरे दिन रहिएगा, पूरे दिन मंत्र जपते रहिएगा, मन में नाम लेते रहिएगा, उससे दुखों का अंत होता है, दुख कटने वाला होता है, ये कर लीजिएगा। आज के दिन जो है आप कौन सा उपाय करेंगे वो नोट कर लीजिए। देखिए आज के दिन आप क्या करेंगे, संध्या समय आप एक चौमुखा दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर जलाएंगे, और यदि आपके पास संतान नहीं है तो वहाँ बैठ करके संतान गोपाल मंत्र का पाठ आज से प्रारंभ करके आप आने वाले जो है दिनों में आप इन्हें करते रहिए जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है। कहा जाता है कि आज से प्रारंभ किया गया पाठ सद्य सफलता दिलाता है उस कार्य में, तो आप ये काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बता दूं कि यदि आपके पास संतान नहीं है तो एक काम कीजिएगा, आज के दिन से बैठ करके और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा और करते रहिएगा, आप देखिएगा किस तरह से आपको सफलता मिलती है। आज के दिन से यदि कोर्ट कचहरी या किसी भी समस्या में आप फंसे हुए हैं, कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा है, तो आज के दिन से सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ किया जा सकता है। सुंदरकांड का पाठ जो है प्रतिदिन भी कर सकते हैं, सप्ताह में थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते हैं, तो ये कर लीजिएगा। आज के दिन से यदि रामायण का पाठ आप करना प्रारंभ करते हैं तो, और 4 महीने तक ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, 4 महीने तक रामायण का पाठ करते हैं तो आप देखिएगा जीवन में किसी भी संकट में होंगे, किसी भी दुविधा में होंगे, किसी भी परेशानी में होंगे, निश्चित रूप से उसका मार्ग निकलता है, इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जितने पाठ हमने बताए, जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, जब तक नारायण की कृपा नहीं होगी, आप उन पाठों को नहीं कर सकते। करना तो दूर की बात है, आप उन पुस्तकों को हाथ भी नहीं लगा सकते, तो उनकी कृपा होती है तभी ये पाठ मनुष्य अपने जीवन में कर पाता है। तो रामायण और गीता का पाठ भी आज से प्रारंभ कर सकते हैं, करके देखिए इन चीज़ों को, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा फर्क नज़र आता है। एक चीज़ और कर लीजिएगा, आज की पहले देख लीजिए कि आप जो है पारण कब करेंगे, तो 11 जुलाई को सोमवार के दिन सुबह 8:31 से और सुबह 8:17 से आज 8:31 के बीच जो है आप अपना पारण कर लीजिएगा, तो ये कर लीजिएगा, बहुत कम समय है। और दूसरी चीज़ की एक चीज़ और कर लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है कि पारण में चावल खा सकते हैं या नहीं, तो खा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है, पारण में चावल खाया जा सकता है। अब चलिए अगले उपाय की तरफ चलते हैं कि अगला उपाय आपको कौन सा करना है। आज के दिन से दोस्तों यदि धन की समस्या घर में बनी हुई है तो कोई भी एक 10 का सिक्का ले लें या फिर 1 का सिक्का ले लें, इसको लेकर के घर के मंदिर में एक कटोरी में रख दीजिए और आज के दिन जो भगवान विष्णु की पूजा करेंगे उसके साथ साथ उस सिक्के की पूजन करेंगे। कैसे पूजन करेंगे, तो हल्दी कुमकुम और अक्षत से, भगवान विष्णु को अक्षत मत चढ़ाइएगा लेकिन सिक्के पे चढ़ाया जाता है माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान करके, और प्रतिदिन जो है धूप दीप और इस सिक्के को जो है रखे रहिएगा, और कार्तिक महीने में इस सिक्के को ध्यान रखिए, जो सिक्का आपने अभी पूजन स्थान पर कटोरी में रखकर पूजन करते हैं, कार्तिक महीने की जो देव उठनी एकादशी आएगी उस एकादशी को उस सिक्के को किसी लाल या पीले कपड़े में बांध करके, चाहे तो आप अपने पर्स में रख लीजिए, चाहे धन रखने के स्थान पर रखिए, लेकिन विशेष रहेगा कि आप अपने पर्स में रखिए और देखिए कि वहाँ पे आप अपने पैसे रखिए, देखिए कैसे धन में वृद्धि होती है, कैसे आपके पर्स में धन खिंचा हुआ आता है। तो ये चीज़ का कीजिएगा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि दूसरे का धन आपके पास आएगा, धन लाने के लिए कर्म करना पड़ता है, लेकिन कर्म के लिए जो बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, वो भी भगवान देते हैं, बस इसीलिए ये सारे छोटे छोटे उपाय किया जाता है। तो सिक्के वाला उपाय कर लीजिएगा यदि धन की समस्या से पीड़ित है, परेशान है। तो अगले उपाय की बात करते हैं दोस्तों, तो आज भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते समय आप उनको पीले चंदन समर्पित करके, पीले चंदन जो है उन्हें समर्पित करने के बाद अपने पास वो चंदन बचा कर रखिए। जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में जाने की इच्छुक हैं, वो चंदन जो है अपने पास रखें और प्रत्येक दिन इस चंदन में और चंदन मिलाते रहें। आगे जैसे कि चंदन खत्म हो रहा तो थोड़ा सा पीला चंदन और नहीं मिला दें, मतलब वो चंदन खत्म ना हो जो आज आपने चढ़ाया, उस चंदन को आप प्रतिदिन माथे पर लगाएं।
देखिए आपका जो तेज होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे देखेंगे कि आपका आत्मबल जो है बढ़ने लगेगा, और आप किसी भी परीक्षा या इंटरव्यू वगैरह में जाएं, थोड़ा सा उस चंदन को अपने माथे पे लगा लीजिए। देखिए ये चंदन जो है वशीकरण की तरह काम करता है, तो विशेष हो जाएगा ये चंदन। ये वाला उपाय भी आज के दिन सभी अवश्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हाउसवाइफ हैं तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी बातों का मान रखा जाए, सम्मान रखा जाए, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चंदन को अपने माथे पर लगा करके, घर में रहती हैं बाहर जाती हैं तो बहुत ज़रूरी है ये चंदन आप सभी बना लें, ये कर लीजिएगा दोस्तों। और सारी जानकारियाँ मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है, और वीडियो कैसी लगी ये तो आप बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया कर लें, और इस तरह की जानकारियाँ अन्य जो है आपको और कोई चाहिए तो आप इसमें लिख दिया करें। जैसे मैंने अभी बताया आपको, वैसे ही मैं आगे आपके प्रश्नों का जवाब देती रहूँगी। जैसे कि मैंने बताया एकादशी में चावल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो ये अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ थी वो आपको कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। और हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रही हूँ आपको कि देखिए, आज के बाद 4 महीने तक नारायण योग निद्रा में रहेंगे। ऐसे में कुछ ऐसे काम होते हैं जो नहीं करना चाहिए। अब कौन से काम ऐसे होना चाहिए जो नहीं करना चाहिए? देखिए, जो बड़े मांगलिक कार्य होते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। विशेषकर प्रश्न आपके आते हैं कि क्या हम व्रत शुरू कर सकते हैं इस समय या नहीं, तो देखिए व्रत या पूजा पाठ जितना अधिक इन चातुर्मास में 4 महीनों के भीतर करेंगे उतने ही अधिक पुण्य के भागीदार आप बनेंगे। लेकिन उसके अलावा जो अन्य काम होते हैं, जैसे मुंडन हो गया, जनेऊ हो गया, शादी ब्याह तो खैर नहीं होगा ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इस तरह के कार्य जो है हमें नहीं करना चाहिए। कारण मैं बताती हूँ क्यों। देखिए, कहा जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और वो हमारी पालनहार है, और कहा जाता है कि जब घर का मुखिया जो है किसी परेशानी में है या फिर कोई अनुपस्थिति है, अनुपस्थित है वो, तो वो उस बीच हम कोई नया काम नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो मुखिया है वो नहीं होता है। तो ठीक उसी तरह जो हमारे मुखिया हैं यानी कि नारायण हैं, वो इस समय योग निद्रा में है, तो ऐसे में हमें उनकी उपस्थिति में कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इस चीज़ में इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप जो है पूजा आराधना नहीं कर सकते, कोई व्रत नहीं प्रारंभ कर सकते हैं, नया वस्त्र नहीं पहन सकते, ये सारी चीज़ें आप कर सकती हैं। बस जो बड़े मांगलिक कार्य होते हैं, गृह प्रवेश हो गया, एक चीज़ और कर सकते हैं जैसे कि किराए के घर में प्रवेश करना हो, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। सर्वप्रथम तुलसी का पत्ता वहाँ, तुलसी का पौधा वहाँ रखते हैं किराए के घर में और आप जा सकते हैं। लेकिन जैसे अपना घर बनाया है, गृह प्रवेश करना है, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें न करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपको अभी इन चीज़ों का पता न चले, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ें परेशानियों को जन्म देने वाला होता है। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें, इंस्टा पे फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लें। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी तरह की ज्योतिषीय सलाह लेना हो तो ले सकते हैं। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।